हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब राजस्थान की राजनीति का रुख कर लेते हैं। करीब एक महीने तक राजस्थान कांग्रेस के कुनबे में मची कलह आलाकमान के दखल के बाद ऊपर से शांत हो गई है, लेकिन ये मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सचिन पायलट और उनके साथी विधायक घर वापसी कर चुके, लेकिन सीएम अशोक गहलोत गुट के विधायक पायलट खेमे की बगावत से अब भी नाराज हैं। मतलब निकल जाने के बाद ना पिला देना, पैमाना पैमाने के बाद। शायद ही राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों का दर्द है जो इस गाने के जरिए बाहर आ रहा है। निकल जाने के बाद ना पिला देना, पैमाना पैमाने के बाद। जैसलमेर में 12 दिनों तक बाड़ेबंदी में रहने के बाद जब विधायक जयपुर लौट रहे थे तो उनका ये दर्द नजर आया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भूलो और माफ करो। अपने भूलो और माफ करो और आगे बढ़ो, देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और डेमोक्रेसी के हित के अंदर। गहलोत समर्थक विधायक सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की पार्टी में वापसी से नाराज हैं। मंगलवार रात को हुई बैठक में उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। 2 महीने से विधायक 1.5 महीने से होटल में हैं। आक्रोश अपना अपना सब व्यक्त करते हैं, लेकिन आक्रोश के बाद भी कहीं पार्टी नेतृत्व का नीति सिद्धांत मानना पड़ता है। कोई ज्यादा नाराजगी नहीं, सब 2 आदमी बोले थे, कभी उनको ज्यादा ये स्वाभाविक होता है, सब एक पांचों उंगलियां की जैसी नहीं होते। मुख्यमंत्री गहलोत को भी विधायकों की नाराजगी मालूम है। विधायकों की नाराजगी को हमने दूर करने का प्रयास किया है, उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है। जिस रूप में ये एपिसोड होगा, उनको 1 महीना रहना पड़ा, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक था। कांग्रेस विधायकों को अब बाड़ेबंदी पार्ट 3 के तहत फिर से जयपुर के फेयरमोंट होटल भेज दिया गया है। आपसी मनमुटाव खत्म करने के लिए आज पायलट गुट के विधायक मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी संभव है।